हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा एयर मासेज। क्लाइमेटोलॉजी में फ्रंट्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स की डेवलपमेंट के लिए एयर मासेज की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। एयर मास को अगर डिफाइन किया जाए तो आप ये कह सकते हो, इट इज़ ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर हैविंग मोर और लेस यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर हॉरिजॉन्टली एंड द वर्टिकल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इज फेयरली यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो एयर मास है इसके केस में टेम्परेचर एंड मॉइस्चर में मीन्स ह्यूमिडिटी में हॉरिजॉन्टली एक यूनिफॉर्मिटी होती है, और अगर वर्टिकली देखा जाए तो टेम्परेचर और मॉइस्चर में चेंज आएगा, टेम्परेचर और मॉइस्चर में डिक्रीज होगा, लेकिन ये जो डिक्रीज रेट होगा इसमें भी मोर और लेस यूनिफॉर्मिटी होगी। तो इस टाइप के ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एयर को जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर में एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है उसको एयर मास बोला जाता है। जो एयर मास की डेवलपमेंट है ये काफी लार्जर एरिया पर होती है। अगर इसके साइज की बात करें तो इट कवर्स थाउजेंड्स ऑफ स्क्वेयर किलोमीटर एरिया। इसके अगर एरियल स्प्रेड की बात करें तो ये बहुत बड़े एरिया पर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, और अगर इसकी डेप्थ या हाइट की बात करें तो इट मे बी थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स, मीन्स ये किलोमीटर्स में इसकी डेप्थ होती है। जनरली किसी भी एयर मास की जो डेप्थ है वो 2 to 3 किलोमीटर होती है, और जो एयर मास है इसका एरियल स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें जो परफेक्ट होमोजेनिटी है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। परफेक्ट होमोजेनिटी नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर और मॉइस्चर के केस में हॉरिजॉन्टली ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मिटी होती है, मीन्स टेम्परेचर और मॉइस्चर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन ये वेरिएशन बहुत कम होता है। तो अगर एयर मास को देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप से है। जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर आपको पिंक कलर दिख रहा होगा, ये एक एयर मास है, वार्म एयर मास। यहां पर आपको ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये एयर मास है, कोल्ड एयर मास। टेम्परेचर के बेस पर एयर मास को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास। तो यहां पर हम जस्ट ये समझेंगे कि एयर मास की प्रॉपर्टीज क्या हैं। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसका कुछ एरियल स्प्रेड है और इसकी कुछ डेप्थ भी है, हाइट भी है, और इसमें जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है इसका वेरिएशन कुछ इस टाइप से है। जैसे अगर हॉरिजॉन्टली मैं देखूं किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगी उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ सरफेस से अपवर्ड अगर हम मूव करेंगे तो हर हाइट पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में सिमिलरिटी होगी। जैसे यहां पर हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हर जगह पर मोर और लेस यूनिफॉर्म होगी, पर अगर इससे ऊपर जाए तो डेफिनेटली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में चेंज मिलेगा, और जनरली अर्थ सरफेस से अपवर्ड मूव करने पर दोनों टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगी। लेकिन ये जो रेट होगा डिक्रीज करने का, ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी कि यूनिफॉर्म रेट से ही अपवर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में चेंज आएगा। तो यह है एयर मास। और जो एयर मास है इसको हम स्टडी क्यों करते हैं, इसको हम क्यों जानते हैं, क्योंकि किसी भी एरिया पर जो एयर मास डेवलप होगा अगर वो वहां से किसी दूसरे एरिया पर जाएगा तो उस एरिया के वेदर को अफेक्ट करता है, और एयर मास की डेवलपमेंट के बाद अपने सोर्स रीजन से मूवमेंट होती है। जहां पर एयर मास डेवलप होता है उसको सोर्स रीजन बोलते हैं, और डेवलपमेंट के बाद वहां से एयर मास दूसरी जगह पर मूव करता है, और एयर मास की प्रॉपर्टी की स्टडी के बेस पर और एयर मास की मूवमेंट की डायरेक्शन के बेस पर हम
किसी भी एरिया पर वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मींस एयर मास के आने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया पर किस टाइप का वेदर होगा उसको हम बता सकते हैं। जो एयर मास है, जब यह किसी भी एरिया को विजिट करता है, किसी भी प्लेस पर जब एयर मास जाता है तो वहां के वेदर को अफेक्ट करता है, मींस उस एरिया के टेम्परेचर को, उस एरिया पर जो ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होगा, उसके पैटर्न को, उसकी अमाउंट को, और एटमोस्फेरिक जो ट्रांसपेरेंसी होगी या एटमोस्फेरिक जो कंडीशंस होंगी, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फियर, रेनफॉल, डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन्स, इन सब चीजों को अफेक्ट करता है जो एयर मास होगा किसी भी विजिटेड एरिया पर। और क्योंकि मॉनसूनल जो विंड पैटर्न है ये ट्रॉपिकल एरियाज में मेजरली डेवलप होता है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि ओशन के ऊपर जो एयर मासेस डेवलप होते हैं जिसके कारण मॉनसूनल रीजन में रेनफॉल होती है, तो वो एयर मास मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास ही होते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर जो मॉनसूनल रेनफॉल है उसके पैटर्न को, उसकी एडवांसमेंट को और उस रेनफॉल की डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो एयर मासेज है उनकी सिग्निफिकेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें एयर मास को स्टडी करना चाहिए। उसके बाद जहां पर भी एयर मासेज डेवलप होते हैं उस एरिया को सोर्स रीजन बोलते हैं, और ये सोर्स रीजन काफी एक्सटेंसिव होता है, काफी वास्ट रीजन होता है, और एयर मासेज की डेवलपमेंट उस एरिया पर होगी जहां पर जो सोर्स रीजन है उसके सरफेस में यूनिफॉर्मिटी होगी, मींस इवननेस होगी, किसी इवन सरफेस पर ही, किसी यूनिफॉर्म सरफेस पर ही एयर मास की डेवलपमेंट हो सकती है, या मैं ये कह सकता हूं कि कोई यूनिफॉर्म सरफेस ही एयर मास के लिए सोर्स रीजन हो सकता है। एयर मास की डेवलपमेंट के बाद जो प्राइमरी विंड सिस्टम है उसकी हेल्प से एयर मास विंड्स की डायरेक्शन में ड्रैग होती हैं, मूव करती हैं, इसका मतलब है सोर्स रीजन से एयर मास की डेवलपमेंट के बाद वो मूव करेंगी विंड्स की डायरेक्शन में ही। एयर मास की डेवलपमेंट के लिए कुछ डिफरेंट कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे एयर मास या तो लैंड पार्ट पर ही डेवलप हो सकता है या वाटर सरफेस पर ही डेवलप हो सकता है। मीन्स अगर आप रिकॉल करें एयर मास की डेफिनेशन को, तो उसमें बताया गया है कि टेम्परेचर और मॉइस्चर का हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मिटी होने चाहिए। अगर ये कोई सोर्स रीजन है और इसका ये पार्ट लैंड है और ये ओशनिक पार्ट है, वाटर बॉडी है, तो इस केस में क्या होगा, इस पूरे एरिया पर सिंगल एयर मास की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ओशनिक पार्ट पर एटमोस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो ये जो कंडीशन है कि टेम्परेचर और मॉइस्चर का हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो वो मेंटेन नहीं रह पाएगी अगर एयर मास की डेवलपमेंट लैंड और वाटर दोनों सरफेस पर होगी। इसलिए एयर मास की डेवलपमेंट किसी एक ही पर्टिकुलर सरफेस पर होगी, और इसमें भी अगर लैंड पार्ट की बात करें तो लैंड पार्ट पर टोपोग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। टोपोग्राफी का मतलब है जो नेचर ऑफ द लैंड सरफेस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर लैंड सरफेस फ्लैट है, इवन सरफेस है, तो वहां पर एयर मास की डेवलपमेंट हो सकती है। अगर कोई माउंटेनस एरिया है, अगर कोई रफ सरफेस है या उबड़ खाबड़ लैंड सरफेस है, तो वहां पर एयर मास की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो उबड़ खाबड़ सरफेस होगा उसके ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, और जो एयर मास की डेवलपमेंट है वो लैंड का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर धीरे धीरे जो ओवरलाइंग एयर वॉल्यूम होगा उसका हो जाता है। पर अगर लैंड सरफेस अंडुलेटिंग है, कहीं पर हाईलैंड कहीं पर लोलैंड है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एयर मास का उसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो सकती। जहां पर हाईलैंड्स होंगी उसके आसपास
एटमोस्फेयर में जो एयर होगी वो ज्यादा कोल्डर होगी जो प्लेन एरिया होगा उसके कंपैरिजन में, इसलिए जो एयर मास है ये किसी इवन सरफेस पर ही, किसी यूनिफॉर्म सरफेस पर ही डेवलप हो सकती है। एयर मास की डेवलपमेंट के लिए सोर्स रीजन पर एटमोस्फेयर काम होना चाहिए। अगर एटमोस्फेयर में कन्वर्जेंस है तो वहां पर स्टेबिलिटी एटमोस्फेयर में नहीं होगी, एटमोस्फेयर में ज्यादा विंड मूवमेंट एयर मूवमेंट होगी, ज्यादा मिक्सिंग होगी, जिसके कारण जो सोर्स रीजन है उसकी टेम्परेचर और मॉइस्चर की जो कंडीशन है वो एयर मास में डेवलप नहीं होंगी। इसलिए एयर मास की डेवलपमेंट के लिए डाइवर्जेंस एक फेवरेबल कंडीशन है। जहां पर डाइवर्जेंस होगा वहां पर जो एटमोस्फेयर है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो हाई प्रेशर एरियाज हैं वहां पर डाइवर्जेंस होगा, जो लो प्रेशर एरियाज हैं वहां पर कन्वर्जेंस होगा। इसका मतलब है जो सोर्स रीजन्स हैं एयर मास की डेवलपमेंट के लिए वो हाई प्रेशर बेल्ट्स हो सकते हैं, लो प्रेशर बेल्ट्स में एयर मास की डेवलपमेंट नहीं होगी। और जहां पर भी एयर मास की डेवलपमेंट होगी वहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो लो होना चाहिए, क्योंकि अगर सोर्स रीजन पर प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रोंगर होगा तो विंड मोमेंट होगी, और उसके कारण क्या होगा, उस विंड मोमेंट के कारण जो एयर है उसमें मिक्सिंग ज्यादा होगी, और जो टेम्परेचर और मॉइस्चर के रिगार्डिंग जो हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो सोर्स रीजन है उसकी टेम्परेचर और मॉइस्चर के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओवरलाइंग एयर में धीरे धीरे डेवलप होती हैं, और उसकी डेवलपमेंट के लिए एयर वॉल्यूम को, लार्जर एयर बॉडी को सोर्स रीजन पर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टे करना पड़ेगा। तो ये आइडियल कंडीशंस हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एयर मास की डेवलपमेंट के लिए। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि एयर मास की डेवलपमेंट के लिए सोर्स रीजन पर जो लार्ज एयर बॉडी है उसको लंबे टाइम तक स्टे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी, एटमोस्फेयर में ज्यादा डिस्टरबेंस होगी तो एयर मास की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ये एयर वॉल्यूम किसी सोर्स रीजन पर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए तभी स्टे कर सकता है जब एटमोस्फेयर स्टेबल होगा, जब एटमोस्फेयर काम होगा। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो एयर मास है इसकी वेरियस ग्राउंड्स पर क्लासिफिकेशन की जा सकती है, मीन्स जो एयर मास है इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, और उसके अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग ग्राउंड्स हो सकते हैं। जैसे एयर मास को लैटिट्यूड के बेस पर, लैटिट्यूड, या एयर मास को ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब है कि एयर मास की डेवलपमेंट अर्थ पर किस पार्ट पर हो रही है, तो इनके बेस पर एयर मास को जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है ट्रॉपिकल एयर मास, जो ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होगी, मीन्स 0 to 40 degree लैटिट्यूड्स के जो एरियाज हैं वहां पर जो एयर मास डेवलप होगी उसको ट्रॉपिकल एयर मास बोलेंगे। और दूसरा है पोलर एयर मास, जो एयर मास पोलर एरियाज के आसपास या पोलर एरियाज पर डेवलप होते हैं उनको पोलर एयर मास कहा जाता है। एयर मास को हम टेम्परेचर के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जिन एयर मासेज का टेम्परेचर ज्यादा होगा उनको वार्म एयर मास, और जो कोल्डर होंगी उनको कोल्ड एयर मास कहा जा सकता है। एयर मास वार्म है या कोल्ड है ग्राउंड के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जनरली देखा जाता है। अगर जो एयर मास है, जो ह्यूज एयर वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर अंडरलाइंग ग्राउंड के टेम्परेचर से ज्यादा है तो एयर मास वार्म होगा, अगर ग्राउंड के टेम्परेचर के कंपेरिजन में कम है तो एयर मास कोल्ड होगा। नेक्स्ट हो सकता है नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस के नेचर के बेस पर भी एयर मास का क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे अगर एयर मास लैंड पार्ट पर डेवलप होगा तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल एयर मास, अगर एयर मास ओशनिक एरिया पर डेवलप होगा तो उसको बोलते हैं मेरीटाइम एयर मास।
एयर मास की जो क्लासिफिकेशन है उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जनरली फोर फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सरफेस और एक है स्टेबिलिटी ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर की स्टेबिलिटी कितनी है, अगर जो एयर मास है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो स्टेबल एयर मास होगा, अगर एयर मास में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो वो अनस्टेबल एयर मास होगा। मीन्स अनस्टेबल और स्टेबल एयर मास भी स्टेबिलिटी के ग्राउंड पर क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो वैसे ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ब्रॉडली एयर मासेज को नेचर ऑफ द सरफेस जिस पर एयर मासेज की डेवलपमेंट हुई है और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर एयर मासेज को चार ब्रॉडर और इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में रखा जाता है और यही जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखनी है। और ये चार कौन कौन सी एयर मासेज हैं, ये है कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, जो कॉन्टिनेंट पर डेवलप होगी पोलर एरियाज में, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, इसको स्मॉल सी और कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और उसके बाद सेकंड लेटर जो है वो कैपिटल होगा। जो ओशनिक एरिया पर डेवलप होने वाला एयर मास है उसको मैरीटाइम, पोलर एरियाज पर अगर डेवलप हुआ है तो मैरीटाइम पोलर एयर मास एमपी, कॉन्टिनेंट पर ट्रॉपिकल एरियाज में डेवलप होने वाला एयर मास कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ओशनिक एरियाज पर ट्रॉपिकल बेल्ट में डेवलप होने वाला एयर मास मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। तो ये फोर ब्रॉड कैटेगरीज हैं एयर मास की। उसके बाद एयर मास की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ कहाँ हो रही है एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे इस मैप पर अगर आप देखो तो इस मैप पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स भी दिखा रखे होंगे, जैसे मैरीटाइम इक्वेटोरियल जो कि मैंने आपको बताया ही नहीं है। और ये अगर इक्वेटोरियल रीजन में आप देखें तो इसकी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, पर जो मैंने आपको चार बताए हैं वही आपको ध्यान रखने हैं, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में ट्रॉपिकल एयर मास की कैटेगरी में ही रखा जाता है, सेपरेटली इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इसलिए जो 40 डिग्री लैटिट्यूड तक के जो एरियाज हैं वहां पर जो एयर मास डेवलप होंगे वो होंगे ट्रॉपिकल। जैसे ओशनिक एरिया पर मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंट पर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, फिर मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, इनके जो एरियाज हैं इनकी जो लोकेशंस हैं ये आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी चाहिए। जो हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां पर आप देखेंगे मैरीटाइम पोलर, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टिनेंटल पोलर और कुछ कॉन्टिनेंटल आर्कटिक भी दे रखा है, जो कि पोलर एरियाज के जो एयर मास है उनमें इसको काउंट करते हैं या कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको सेपरेटली डील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास की कैटेगरी में रख सकते हो। फिर मैरीटाइम पोलर, फिर ये कॉन्टिनेंटल पोलर एंड कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, इसको भी कॉन्टिनेंटल पोलर की कैटेगरी में रख सकते हो। वैसे ही साउथ में ये सी डबल ए जो लिखा है कॉन्टिनेंटल एंटार्कटिक एयर मास, तो इसको कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास आप बोल सकते हो। ओशनिक एरियाज पर मैरीटाइम पोलर एयर मास आप देख सकते हो। साउदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास आपको ऑस्ट्रेलिया और जो अफ्रीका है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट कम है इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास की जो एक्सपेंशन है वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये था इनका डिस्ट्रीब्यूशन। जो एयर मास है इनकी डेवलपमेंट के बाद ये विंड की डायरेक्शन में ही मूव करती हैं। जैसे ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है, यहां से विंड्स इस साइड मूव करेंगी तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास इस साइड मूव करेगा। जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल है वेस्टलीज के इन्फ्लुएंस में ये इस साइड मूव करेगा। जो मैरीटाइम पोलर है ये इस साइड मूव करेगा पोलर ईस्टलीज के इन्फ्लुएंस में। तो जनरली जो लो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनके एरियाज में ट्रॉपिकल और पोलर एयर मासेज की कन्वर्जेंस होगी।
तो इनकी डेवलपमेंट हाई प्रेशर बेल्ट्स में होती है जो एयर मासेज है, और जो कन्वर्जेंस है इनकी लो प्रेशर बेल्ट्स में कन्वर्जेंस होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो फर्दर क्लासिफिकेशन है एयर मासेज की, जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है तो आपको इनको जानना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो एयर मासेज है इनको 16 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, और इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो एयर मास है इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल एयर मास और पोलर एयर मास लैटिट्यूड्स के बेस पर। यहां पर आप देखिए अगर कॉन्टिनेंट पर ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप होगी एयर मास तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, अगर ओशनिक एरिया पर डेवलप हुई है तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल। उसी टाइप से पोलर एरियाज में कॉन्टिनेंट पर डेवलप होने वाले कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर जो ओशनिक एरिया पर डेवलप होगी। उसके बाद टेम्परेचर के बेस पर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन, कॉन्टिनेंटल जो ट्रॉपिकल एयर मास है ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड, डब्ल्यू फॉर वार्म एंड के फॉर कोल्ड। उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी के बेस पर देखिए, आप अगर देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है लैटिट्यूड या ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर, ये जो क्लासिफिकेशन है ये है नेचर ऑफ सरफेस के बेस पर, और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है ये है टेम्परेचर के बेस पर कोल्ड या वार्म। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन है ये वाला, ये है स्टेबिलिटी के बेस पर कि जो एयर मास है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो यहां पर देखिएगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म एयर मास, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म एयर मास अनस्टेबल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल एयर मास। उसी टाइप से कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड को कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल एयर मास, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल एयर मास। फिर मैरीटाइम ट्रॉपिकल को देख लीजिए, टेम्परेचर के बेस पर मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड। फिर स्टेबिलिटी के बेस पर मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल। मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड को फिर स्टेबिलिटी के बेस पर मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल। फिर ये जो पोलर एयर मास था, कॉन्टिनेंटल पोलर को टेम्परेचर के बेस पर कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अनस्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म स्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड अनस्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड स्टेबल। मैरीटाइम पोलर वार्म टेम्परेचर के बेस पर है मैरीटाइम पोलर कोल्ड, मैरीटाइम पोलर वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम पोलर वार्म स्टेबल। उसी टाइप से जो कोल्ड एयर मास है मैरीटाइम पोलर कोल्ड अनस्टेबल, मैरीटाइम पोलर कोल्ड स्टेबल। यहां पर आप देखिए ये आपका जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है उसके बेस पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये किस टाइप का एयर मास है। तो स्टेबिलिटी के ग्राउंड पर भी एयर मास को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर एयर मास को क्लासिफाई किया जा सकता है। ध्यान रखना आपको एयर मास जब अपने सोर्स रीजन से अदर एरियाज की तरफ मूव करते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी क्या होता है आप इससे पहले जो मेरी वीडियो है उसको आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो यह है क्लासिफिकेशन, जैसे जैसे एयर मास आगे मूव करेगी उसके नेचर में मॉडिफिकेशन होगा और उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मास। तो यह है एयर मास का क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।